गर्मी खत्म, सख्ती शुरू। आज से तमाम कारोबार शाम 6 बजे मुकम्मल बंद। किराना स्टोर, दूध दही की दुकानें, तंदूर रेस्टोरेंट शामिल। मेडिकल स्टोर, वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानों को इस्तेमाल होगा। कोरोना SOPs पर अमल के लिए शहर में पुलिस रेंजर्स का फ्लैग मार्च। कमिश्नर CCPO ने कयादत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान कहते हैं, जिम्मेदारी निभाए, एक कौम बनकर दिखाए। का ईद की खुशियों पर वार, पाबंदियों ने रंग में भंग डाल दिया। ईद पर सैरो तफरी बंद, लाहौरियों को घरों में रहना होगा। 8 से 16 मई तक तमाम सियाहती मुकामात, रेस्टोरेंट, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक पार्क बंद। बैनुल अजलाई और बैनुल सुबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। इस बार भी इज्तिमाई नहीं, महदूद एहतिकाफ होगा। शबे कदर और नमाज ईद के SOPs जारी होंगे। अप्रैल तक बहुत तेजी से बीमारी में इजाफा हुआ। मिड जून तक, यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो है वो कैंसिल हो गए। 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मई में होने वाले इम्तिहान मुलतवी, 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। वजीर तालीम शौकत महमूद का ऐलान, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान एक बार फिर से मौखर। मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा जायजा लिया जाएगा। ओ लेवल्स के इम्तिहान अक्टूबर और नवंबर में होंगे। जनवरी तक जामियात में दाखिला मिल सकेगा। कोरोना गजब ढा गया, लाहौर में रिकॉर्ड 54 अम्बाद, 277 की हालत तशवीशनाक। वेंटिलेटर्स पर सांसें बचाने में मसरूफ। 24 घंटों में 1306 नए मरीज सामने आए। पुलिस के मजीद 24 अहलकार भी शामिल। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। जिना अस्पताल में वेंटिलेटर्स फुल। सरकारी अस्पतालों के 93% ICU भर चुके। वबा की शिद्दत के बाइस सरकारी अस्पतालों की OPDs में सर्जरी बंद। पाबंदी में 10 मई तक तौसी। उधर वैक्सीन के लिए 40 साल से जायद अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी। कोरोना के मरीजों के इलाज में मौसर दवा रेमडेसिविर पर पाबंदी। गैर मुतल्लिका डॉक्टर्स की तजवीज पर कार्रवाई का इंकशाफ। इंजेक्शन पर पाबंदी का फैसला सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर नबील आवान की हिदायत पर कायम करदा एडवाइजरी काउंसिल ने किया। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के 13 में से 9 डॉक्टर्स का इलाज मुआवजे से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया भर के तिबी माहिरीन रेमडेसिविर को कोरोना का तोड़ करार दे चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी धड़ाधड़ इस्तेमाल जारी है। इंसदादे कोरोना कमेटी का हंगामी इजलास। वजीर आला ने ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। सनतों का ऑक्सीजन का कोटा खत्म, सारी ऑक्सीजन महकमा सेहत को मिलेगी। पल्स ऑक्सीमीटर्स, नेजल कैनोला और मेडिकल डिवाइसेस की जखीरा अंदोजी पर पाबंदी। एपिक्स कमेटी की आज बैठक। ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का वक्त 1.5 घंटा बढ़ाने की तजवीज। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, कोरोना को फैलाव की दावतें आम। बाजारों मार्केट्स में खरीदारों का हुजूम, दुकानदारों को भी सिर्फ अपने कारोबार की फिक्र। इचरा बागबां पूरा बाजार में खवातीन का रश। डीसी मदरसे रियाज का शहर का दौरा। इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। कानून शिकनी पर बैंक, 24 दुकानें और होटल सील कर दिए गए। 15 अफराद की गिरफ्तार, मुतादिद गाड़ियां बंद। 2 किलो चीनी के लिए तवील इंतजार। रमजान बाजारों में 3.5 ख्वार। वहदत कॉलोनी, सिंहपुरा सस्ते बाजारों में कतारें कम न हो सकी। खवातीन और बुजुर्ग भी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी का बहरान बरकरार। लोग चीनी के लिए पैसे लेकर दर दर फिरने लगे। महंगाई आसमान पर, मजदूर की उजरत में मामूली इजाफा। गुजरात सरकार ने कम से कम उजरत 2000 रुपए बढ़ा दी। आइंदा 17,500 की बजाय 19,500 मिलेंगे। इतलाक रकम जुलाई से होगा। डेली वेजेस को 750 रुपए मिलेंगे। स्टेक होल्डर से 1 माह में तजावीज और एतराजात तलब कर लिए गए। पंजाब हुकूमत का तिबी सहूलियात की फराहमी का अज़्म। अस्पतालों की अपग्रेडेशन और नए अस्पतालों के लिए 6 अरब रुपए के फंड जारी। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को भी 30 करोड़ मिल गए। मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा, दीगर अखराजात पूरे किए जाएंगे।
जौहर टाउन में ट्रैफिक की रवानी को मुश्किलात, मसाइल के हल के लिए दो बड़ी सड़कों की तामीर का प्लान, एक्सपो सेंटर था डिफेंस रोड और खियाबान जिनाह में नई सड़कों के लिए फंड्स की सिफारिशात, बजट में 8,57 करोड़ मुख्तस करने की इस्तदा। ऑरेंज ट्रेन 28 रोज बाद दोबारा ट्रैक पर आ गई, मुसाफिरों के लिए मास्क और सामाजिक फासला लाजिम, ट्रेन बंद रोड और सलाहुद्दीन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। कोरोना के बाद ट्रेन सर्विस को मौतल किया गया था, ट्रेन की बंदी से इंतजामिया को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत का एक साल बाद ऑरेंज लाइन की मिल्कियत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को देने का हुक्म, DGLDA को रिकॉर्ड देने की हिदायत। सुई गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर, पाबंदी खत्म, जनवरी से अब तक जमा कराए गए डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस लगना शुरू, सर्विस लाइन के सामान और मीटर्स की अदम दस्तियाबी वजह से काम बंद किया गया था। NTDC मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, मीठी ईद पर बोनस मिलेगा, डेली वेजेस मुलाजमीन को 1.5 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस अदा की जाएगी, कैदियों और जेल के अमले के लिए भी ईद गिफ्ट तैयार, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 4,20,00,000 रुपए की मंजूरी दे दी। मराकज़े सेहत हुकूमती तवज्जो के मुंतजर, मुगलपुरा की रामगढ़ डिस्पेंसरी एक साल बाद भी मेडिकल ऑफिसर से महरूम, हिफाजती टीकों के अलावा हर किस्म का इलाज बंद, मरीज मायूस वापस लौटने लगे। करोड़ों रुपए की खुफिया ट्रांजैक्शंस, मिड सिटी अस्पताल जेल रोड के मालिकान रेडार पर आ गए, डॉक्टर साकिब सिद्दीक और उनकी अहलिया के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इंडियन रेवेन्यू ने नोटिस जारी कर दिए। इकबाल टाउन की हदूद में शहरी से वारदात, डाकू मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार, केयर फार्मेसी में वारदात के दौरान पकड़ा गया जख्मी डाकू दम तोड़ गया, शाहजेब को शहरियों ने पकड़ा था, दो रोज बाद भी मुकदमा दर्ज ना हुआ। उधर कोट लखपत में मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज, मकतूरीन के बेटे का बयान रिकॉर्ड, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तेज रफ्तारी जान पर भारी, वन वे और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 266 हादसात, रेस्क्यू टीमों ने 271 जख्मी अफराद को तिबी इमदाद फराहम की, 109 शदीद जख्मियों को मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इश्ताल अंगेज तकरीर केस, जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज, लीगी रहनुमा फैसला सुने बगैर सेशन कोर्ट से चले गए, CIA पुलिस ने सगियां पुल से गिरफ्तार कर लिया, हुकूमत रियासती दहशतगर्दी पर उतर आई है, खराबियों की निशानदही करने वालों को गद्दार कहा जाता है, जावेद लतीफ का रद्द अमल, गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त पर आज समाअत होगी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का जावेद लतीफ की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और मसनूई किल्लत का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, मुआशरे में गिद बैठे हैं जिन्हें सिर्फ अपना मुफाद अजीज है, हुकूमत कहाँ है, गुड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। वकला की जाली डिग्रीज का केस, नायब सदर लाहौर बार इरफान अहमद की डिग्री भी जाली निकली, पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पेश, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का एक्शन, नायब सदर लाहौर बार का लाइसेंस मुअत्तल, पंजाब यूनिवर्सिटी को बाकी वकला की डिग्रियों की तस्दीक के लिए मोहलत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, इमरान खान की इंसाफ की यकीन दहानी, गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे, चौधरी मोहम्मद सरवर का मुफाहमत के लिए अहम किरदार है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई, शहबाज शरीफ वकला की टीम से खुश, आजम नजीर दारड़ और अमजद परवेज के शुक्रगुजार, सदर नून लीग की पर्सनल स्टाफ ऑफिसर से भी मुलाकात, सवाती खान और मुराद खान की पार्टी के लिए खिदमत की तारीफ। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, लाहौर की सफाई के कॉन्ट्रैक्ट में 2 माह की तौसी, मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 3 साल से कम करके 1 साल करने की मंजूरी, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया,
नाकिस कारकर्दगी पर सीनियर मैनेजर वर्कशॉप आरिफ खलील मुअत्तल कर दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में जाबिर बिन हयान रिसर्च लैब का क्याम, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर अजीजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर अजमल अनवर, डॉक्टर आयशा मोहियुद्दीन भी हमरा थे। और कोरोना लॉकडाउन के बाइस थिएटर्स बंद, ईद पर भी फन के दरवाजे नहीं खुलेंगे, फनकारों को जिंदगी की गाड़ी चलाने में मुश्किलात, प्रोड्यूसर्स ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल से ड्रामों के स्क्रिप्ट वापस ले लिए।